गाइस, दिस इज कृतिका एंड वेलकम टू माय चैनल प्रेजेंटिंग FLN एक्टिविटी बाय कहानियां। हर एक कहानी बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और ये कहानी सुनकर आप अपने दोस्तों को और घर के सभी सदस्यों को ये कहानी सुनाइएगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बच्चों, ये कहानी है बिल्ली और चिड़िया की। एक चिड़िया थी। एक दिन वह तालाब में पानी पीने गई। वह पानी में गिर गई। तभी वहां एक बिल्ली आई। चिड़िया बिल्ली से बोली, बहन मुझे यहाँ से निकालो। बिल्ली बोली, निकाल तो दूंगी लेकिन मैं तुम्हें खाऊंगी। इस पर चिड़िया बोली, पहले मुझे निकालो फिर सुखा कर खा लेना। बिल्ली ने उसे पानी से निकाला और सूखने के लिए बाहर रख दिया। बिल्ली पंख सूखने का इंतजार करने लगी। चिड़िया ने कहा, तुम कब तक बैठी रहोगी, जाओ तब तक तुम अपना मुंह धोआओ। बिल्ली मुंह धोने के लिए गई। तब तक चिड़िया के पंख सूख गए और वह उड़ गई। बिल्ली देखती रह गई। तो बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।